सीएम जयराम ठाकुर आज कांगड़ा दौरे पर, कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला, ज्वाली में करेंगे जनसभा को संबोधित। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की बागवानी में उद्योग की तर्ज पर क्लस्टर विकसित करने की योजना की घोषणा, हिमाचल को मिलेगा काफी फायदा। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने की आम बजट की तारीफ, बजट को बताया सराहनीय, कहा ये बजट आम लोगों के लिए राहत भरा। कैबिनेट मंत्री गोविंद ठाकुर ने की बजट की जमकर तारीफ, कहा यही बजट नहीं पिछले चार बजट भी सरकार ने किए बहुत अच्छे पेश, बजट से पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़ी और लोकप्रियता। आम बजट को हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने पूरी तरह से नकारा, कहा बजट में हिमाचल की जनता को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साधा आम बजट पर निशाना, कहा जो आशाएं देश और हिमाचल के लोगों को थी उसमें कुछ नहीं हुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का हिमाचल के उद्योगपतियों ने किया स्वागत, कहा केंद्र सरकार ने सभी को ध्यान में रखकर बनाया बजट, 10 में से दिए 8 नंबर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर, ठाकुर और दलाई लामा के बीच सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की बड़ी मुश्किलें, ईडी ने वीरभद्र और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, चार अन्य लोगों के नाम भी शामिल। और हिमाचल के सीएम ने अवैध खनन पर कसा शिकंजा, माइनिंग विभाग के दो अफसरों को लगाया 1 लाख का जुर्माना, 12 अवैध क्रैशरों की काटी बिजली।